गैस टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सुप्रीम कोर्ट ओके अंडर आर प्रिलिम क्रैस कोर्स इन सुप्रीम कोर्ट वी विल डिस्कस ओनली इंपॉर्टेंट स्टफ, बिकॉज गाइज दिस इज द क्रैस कोर्स दिस नॉट फाउंडेशन कोर्स सो वी विल डिस्कस फाउंडेशन कोर्स में क्या होगा कि जितने देर में मैं सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करूंगा सिर्फ एक ही कॉम्पोनेंट डिस्कस कर पाऊंगा फाउंडेशन कोर्स में बहुत ही धीरे uh, धीरे और uh, अंदर जा जा के चीजें डिस्कस होती हैं बट इट्स अ क्रेश कोर्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ये चीजें पहले पढ़ चुके हैं फाउंडेशन कोर्स में सो लेट्स फोकस याद रखना सुप्रीम कोर्ट इज डिफाइन अंडर आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑफ फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर दिस दिस फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 124 के अंदर क्या है डिफाइन है ठीक है और सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन को समझेंगे देखो सबसे पहले कोर्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ आया है सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कोर्ट का कॉन्सेप्ट अगर मैं डिस्कस करूँ तो रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट सेवेंटीन सेवेंटी थ्री के अंदर सबसे पहले कोर्ट की बात हुई थी और एक सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया कहाता कलकत्ता में, पे किया गया? में. अब वहां से ही जुडिशरी का फंक्शनिंग शुरू होता है एंड इट लाइक एक्सपैंडेड थ्रू आउट द इंडिया इन द सिक्वेंशियल uh, मैनर उसके बाद में जो इंडिया का प्रेजेंट फेडरल जुडिशरी वाला जो कॉन्सेप्ट ठीक है, है? जुडिशरी में एक है इस तरह से सुप्रीम कोर्ट देन हाई कोर्ट्स एंड देन लोअर कोर्ट्स कोर्ट, ठीक है हाई आर्ड देर इंटर कनेक्टेड दे आर नॉट इंडिपेंडेंट तो ये जो हाई वाला जो फेडरल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है ये कम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव इट्स हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ठीक है एंड सेम जुडिश्री फंक्शन इंडिया इन कॉपोरेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके ठीक है इंडिया की मोस्टली पावर्स लाइक जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू कम फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ट्रिक बताऊंगा कि देखो USA में जुडिशियरी बहुत स्ट्रॉन्ग है ठीक है और इंडिया में जितने भी इंडिपेंडेंस uh, की बात होगी जुडिशरी से वो सारा इनकॉर्पोरेट किया गया है कहां से यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ठीक है नाउ आई अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन द ग्रेट डिटेल ओके आई कंपोजिशन

पार्लियामेंट के थ्रू ठीक है और जो अपॉइंटमेंट है ऐसी जजेस की, वो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ठीक है तो कंपोजिशन में क्या हुआ कि इनिशियली टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज एट जजेस इंक्लूडिंग सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ये प्रोविजन कर दिया कि पार्लियामेंट टाइम टू टाइम जजेस की संख्या को बढ़ा सकती है पार्लियामेंट टाइम टू टाइम जजेस की संख्या को बढ़ा सकती है और फाइनल जो अपॉइंटमेंट्स होगी की वो कैसे हो वो कैसे होगी मतलब सिर्फ संख्या बढ़ा देगी कि भाई चलो ठीक है आठ से दस कर दो लेकिन जो दो दो जजेस की जो अपॉइंटमेंट होगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी उसको समझेंगे ठीक है चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट्स अपॉइंटमेंट आज भारत में कोलेजियम सिस्टम से होती है रिमेंबर कोलेजियम सिस्टम से होगी ठीक है प्रोसीजर समझ लो कि कोलेजियम सिस्टम गिव सम रिकमेंडेशन ठीक है गिव सम रिकमेंडेशन एंड दैट रिकमेंडेशन सेंड टू लो मिनिस्ट्री

सो नो टाइम लिमिट तो कोई टाइम लिमिट नहीं है कि भाई इतने टाइम में ही प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है बट वो बाइंडिंग है वो मना नहीं कर सकते प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते और बट प्रेसिडेंट चाहे तो एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन कैन टेक प्लेस ठीक है बट फिर भी अगर वापस से उस उनिन उसी नाम को भेजा जाए तो प्रेसिडेंट को फिर क्या होगा उनको अपॉइंट करना होगा ठीक है सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोलेजियम सिस्टम के पीछे रैशनैलिटी क्या है द कोलेजियम सिस्टम का मतलब है कि जजेस अपॉइंट द जजेस ठीक है अब ये मेंस का टॉपिक है कि क्या कोलेजियम सिस्टम अच्छा है नहीं है ना कोलेजियम का मतलब क्या है जजेस appoints the judges. This is the collegium system. And this system was adopted because the separation of power. Separation of power. Article 50 of constitution. Okay. And independence of judiciary. Okay. OAB एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस ना हो कोई भी एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस ना हो जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में तो इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम को डेवलप किया गया है हम इसे थोड़ा सा देखने वाले हैं कि कैसे ये सिस्टम डेवलप हुआ हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे तो फर्स्ट जज केस के बारे में बात करेंगे और यहाँ तक ना सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम और हाई कोर्ट का कोलिजियम थोड़ा अलग होता है कोलिजियम सिस्टम ही हाई कोर्ट को भी अपॉइंट करता है बट वो जब हम देखेंगे जब हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में देखेंगे तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन टू मोर थिंग्स तो पहला आता है फर्स्ट जज केस फर्स्ट जज केस में एग्जीक्यूटिव है अपर हैंड एग्जीक्यूटिव हैज अपर हैंड एंड प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द एस सी जज प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द एस सी जज With the of CGI. नहीं था था अभी आएगा तो फर्स्ट जज केस में सिर्फ ये था कि जो एग्जीक्यूटिव है उसका अपर हैंड है और जो प्रेसिडेंट है वो कंसल्ट करेंगे सी जी आई से और एस सी जज को अपॉइंट करेंगे ठीक है सी जी आई की जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर नाउ द अदर थिंग अदर एस्पेक्ट सेकेंड जज केज केस में क्या हुआ कि ये जो कंसल्ट वर्ड है ये कन्वर्ट हुआ कंकरेंस में कंसल्ट वर्ड कंसल्ट वर्ड कन्वर्ट हुआ कंकरेंस में ठीक है और ये बोला कि जो कंकरेंस है ये अकेले सीसीआई की नहीं है सीजीआई प्लस टू सीनियर मोस्टेस टू सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक है लेटर ऑन इन थर्ड जज केस सेम थिंग टुक प्लेस एंड बस ये था कि जो टू सीनियर मोस्ट जज थे सी के साथ में वो उसमें फोर सीनियर मोस्ट जज हो गए ये थर्ड जज केस में हुआ कि चार चार सीनियर मोस्ट जज और सीजीआई द सुप्रीम कोर्ट जज हाईकोर्ट जज में क्या डिफरेंस है वो समझ लो हाईकोर्ट जज में क्या होता है बेटा सीजीआई रहेगा प्लस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेगा एंड प्लस में टू सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये हाई कोर्ट का कॉलेजियम होता है हाई कोर्ट का कॉलेजियम ही ट्रांसफर में भी यूज होता है ठीक है तो ये प्रेजेंट में जो कोलिजियम है वो थर्ड जज केस से कंटिन्यू चल रहा है एक और केस है फोर्थ जज केस वी विल डिस्कस दिस आल्सो फोर्थ जज केस हम लोग फोर्थ जज केस भी देखेंगे फोर्थ जज केस में क्या हुआ एक नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अपॉइंट करने की बात हुई और ये एक्चुअली पहले क्या हो रहा था कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया एंड इसके अंदर अब प्रोविजन किया गया नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का ठीक है आर्टिकल 124 ए के थ्रू और ये कहा गया कि एक नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाएंगे और वो हेड हो किया जाएगा सीजेआई के द्वारा और उसमें कुछ एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स भी होंगे और दे विल अपॉइंट द जज बट यही जो एग्जीक्यूटिव के जो कुछ मेंबर्स थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपोज किया और कहा कि इट इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी विच इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज वाई द जुडिशरी नल एंड दिस एनजे ओके तो दिस इज द फोर्थ जज केस आई होप तुम्हें अपॉइंटमेंट समझ में आ गया होगा hmm? कोई इशू इन अपॉइंटमेंट नाउ क्वालिफिकेशन an oath. Qualification and oath. तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करने की कोशिश करें तो मस्ट बी इंडियन सिटीजन ठीक है कोई नो मिनिमम एज जैसे पैंतीस का एज है ना प्रेसिडेंट का पच्चीस का एज लोकसभा एमपी का तीस का एज राज्यसभा एमपी का वैसे ही कोई मिनिमम एज नहीं है ठीक है सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट होने के लिए तो इंडियन सिटीजनशिप या तो फाइव कोर्ट जज हो और टेन ईयर्स का सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के अंदर क्या हो एडवोकेसी का एक्सपीरियंस हो ठीक है और एमिनेंट जूरिस्ट हो इसकी नजर में प्रेसिडेंट की नजर में रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके नाउ लेट्स अबाउट ओथ तो प्रेसिडेंट इनको दिलाता है कौन प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलवाते हैं और किस बात दिलवाएंगे प्रोटेक्ट करने की ठीक है दे हैव द ट्रूथ फेथ एंड बियर ऑफ एजुले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इसको ये प्रोटेक्ट करेंगे उसमें ट्रस्ट रखेंगे इसकी ओथ लेते हैं ये लोग ठीक है सैलरी अलाउंस को को डिस्कस डिस्कस नहीं करेंगे टेन्योर को डिस्कस करेंगे रिमूवल याद रखना एस जज का जो टेन्योर है वो कितना है सिक्सटी फाइव ईयर्स रिमेम्बर दिस कितना एज हो सकता है सिक्सटी फाइव ईयर्स तक की एज तक हो सकता है ठीक है याद रखना ये अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं प्रेसिडेंट को ठीक है तो कैन रिजाइन कैन रिजाइन टू प्रेसिडेंट ठीक है और इन्हें रिमूव कर सकते हैं सिर्फ ओनली टू ग्राउंड्स के ऊपर एक होगा मिसबिहेवियर और एक होगा इनकैपेसिटी ठीक है मिसबिहेवियर एंड की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट जज है टेन्योर ऑफ सिक्सटी फाइव ठीक है एट द सेम टाइम दे कैन रिजाइन टू द प्रेसिडेंट एंड दे हैव देव दे हैव टू ग्राउंड ऑन विच ऑफिस एंड लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रिमूव लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रिमूव रिमूवल तो सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव कैसे कर सकते हैं यह समझने की बात होगी सबसे पहले इनको रिमूव करने के लिए आपको एक नोटिस सर्व करना होगा एक प्रपोजल रखना होगा या रेजोल्यूशन रखना होगा याद रखना ये रेजुल्यूशन हंड्रेड से साइन होना चाहिए लोकसभा में और फिफ्टी से साइन होना चाहिए राज्यसभा में उसके बाद में ये जो रेजोल्यूशन और प्रपोजल है या नोटिस है ये लोकसभा स्पीकर होगा या राज्यसभा चेयरमैन होंगे उन वो उनको एक्सेप्ट करेंगे एक्सेप्ट कर भी सकते हैं एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हैं कोई बाउंडेशन नहीं है उनके ऊपर और अगर वो ये एक्सेप्ट करते हैं तो एक कमेटी अपॉइंट होती है एक कमेटी अपॉइंट होगी और वो सीजीआई करेंगे थ्री थ्री मेंबर्स मेंबर्स कमेटी कमेटी, होगी वो, इट्स एन विच विल बी हेडेड द, सीजीआई, ठीक है और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और डिस्टिंग्विश जूडिस्ट ये तीन लोग होंगे सी जी आई होगा चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट होंगे और, और एमिनेंट uh, जूरिस्ट होंगे डिस्टिंग जूरिस्ट होंगे और मान लीजिए कि इस, इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो बिल्कुल सही हैं कि एलिगेशन जो लगे हुए हैं वो बिल्कुल सही हैं तो अब उसके बाद वोटिंग होगी और अगर टू थर्ड मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग से वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है वो जो एलिगेशन हैं वो पास हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जज क्या होंगे अपनी पोस्ट से रिमूव हो जाएंगे

सिर्फ दिल्ली पे हैिवन है, है. है कि सुप्रीम कोर्ट कैन बी एट्स मल्टीपल प्लेसेस प्लेसेस और उसके लिए कोई अलग से लो लाने की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं है आप सिंपली क्या कर सकते हो यू कैन सिंपली प्रेसिडेंट कैन डू दिस ठीक है अलोंग विथ द एडवाइस ऑफ सीजीआई ठीक है कोई पार्लियामेंटली अमेंडमेंट और इन सब की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट की सीट ऑफ एस सी सीट ऑफ जो एस सीज है वो क्रिएट की जा सकती हैं अदर प्लेसेस पे भी सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस बनाई जा सकती हैं और ये बहुत नॉर्मल सी बात है जैसे कि राजस्थान का हाईकोर्ट जोधपुर में है और उसकी बेंच जयपुर में भी है ऐसे ही यूपी का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है लेकिन उसकी बेंच लखनऊ में भी है तो इस तरह से एक ही कोर्ट की डिफरेंट बेंचेस हो सकती हैं इसके फ़ायदे बहुत हैं लाइक कुछ लोगों को दिल्ली बहुत दूर पड़ता है मान लो कोई साउथ इंडिया में है उसको दिल्ली आना है उसकी हियरिंग है तो बहुत ही कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए उन मल्टीपल ब्रांचेस कई बार सजेस्ट की जाती हैं ठीक है इसलिए नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की भी बात की गई है वसंता कुमार की इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के लिए बट मेरे हिसाब से ये चीज़ अभी Uh, और डिबेटेबल है और हम इसे मेन्स डिटेल में डिस्कस करेंगे में ये इतनी इंपॉर्टेंट uh, uh, चीज नहीं है वो ऐसे स्टेटमेंट नहीं देगा कि, कि तो चीज़ अभी है ही नहीं और उसके बारे में होने की अभी डिबेट्स और डिस्कशन ही है तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम एटलीस्ट फॉर ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस सुप्रीम देखो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड इसलिए हमने क्या किया है? पहला चीज कि जो जूडी इसका अपॉइंटमेंट जैसे हो रहा है वो कॉलेजियम सिस्टम से हो रहा है द फर्स्ट इंडिपेंडेंस इनका एक्सपेंडिचर चार्ज होता है ठीक है चार्ज ऑन कंसोलिटेट फंड ऑफ इंडिया रिमूवल आपको पता ही है कितना कॉम्प्लिकेटेड है तो ठीक है उसके बाद में ये लोग आ, क्या बोलते हैं कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ द टन है ना आप कोई जॉब नहीं कर सकते हो सरकार के अंदर टाइम को कंप्लीट होने के बाद में ठीक है

ठीक है सबसे पहले ओरिजिनल मतलब है कि इट इज ओनली लाइव विद द सुप्रीम कोर्ट नो अदर कोर्ट कैन 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 डिस्कस दीज इश्यूज ओके तो ओरिजिनल में क्या होगा अगर मान लीजिए कोई एक स्टेट है और एक स्टेट के अंदर की बात है तो उस इस स्टेट उस का कोर्ट मैनेज कर सकता है बट मान लीजिए कि डिस्प्यूट एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच में है नहीं एक स्टेट स्टेट वन स्टेट टू सेंटर और स्टेट के बीच में है सेंटर और मल्टीपल स्टेट्स के बीच में है तो ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन तो ऐसे केसेस को समझ समझने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ही केसेस को सुन सकता है और ये सुप्रीम कोर्ट का ही ओरिजिनल जुरिडिक्शन है ठीक है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आर्टिकल 131 के अंदर है इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं जो आपको याद रखने चाहिए मेरे हिसाब से जैसे सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट नहीं सुनता है ठीक है सुप्रीम कोर्ट अपने ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट नहीं सुनता है दूसरा सुप्रीम कोर्ट अपने ओरिजिनल के अंदर जो आ, 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 प्री इंडिपेंडेंस जो ट्रीटीज हैं, हैं, प्री-इंडिपेंडेंस जो ट्रीटीज़ उनसे रिलेटेड कोई अगर डिस्प्यूट है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा ठीक है प्री इंडिपेंडेंट ट्रीटीज़ रिलेटेड डिस्प्यूट ठीक है कॉलोनियल टाइम है या इस कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्ट होने के पहले की अगर कोई कोई विवाद है कोई डिस्प्यूट है तो वो सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर नहीं सुनेगा देर देर कैन बी अदर अदर थिंग्स जहाँ पे वो ये सुन सकता है तो दिस टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर एंड टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू बी रिमेंबर ठीक है। Now I will talk about the writ jurisdiction. देखो writ jurisdiction सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट जा सकते हो एक्सक्लूसिवली नहीं है ये एक्सक्लूसिव है ओरिजिनल जूरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव राइट right होता है कि ये जो मुद्दे हैं ये जो मुद्दे हैं ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है दो स्टेट्स के बीच में हो स्टेट सेंटर के बीच में हो या इस सेंटर और एक से अधिक स्टेट के बीच में कोई इशू हो तो वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा अपने ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर लेकिन उसमें मैंने आपको काफी चीजें बताई हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगी इनमें इंक्लूडेड नहीं होंगी वो वाटर डिस्प्यूट वाले एक्ट होंगे और प्री इंडिपेंडेंस देखो होने में बहुत सारे हैं बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द इंपोर्टेंट स्टफ ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन रिट जुरशन रिट जुरशन को हमने पहले भी देखा था सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के पास ही रिट ज्यूरिडिक्शन की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट के पास में आर्टिकल 226 के अंदर है ठीक है सुप्रीम कोर्ट पांच रिट्स जारी कर सकते हैं ये लोग ठीक है हमने पढ़ा था मैं नाम ले लेता हूँ हम पढ़ चुके हैं ये प्रोहिबिशन थोड़ा सा डिफरेंस है कि हाँ कोर्ट की जो रिट ज्यूडिक्शन है वो वाइडर है वाइडर है उसके मेजर रीजंस क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिड़, रिड़ है ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स ठीक है बट हाई कोर्ट की फंडामेंटल राइट्स प्लस में लीगल राइट्स ठीक है तो थोड़ी सी हाई कोर्ट की जो रिट जुडिडिक्शन है वो थोड़ी सी क्या है वाइडर है रिमेंबर दिस ओके नाउ आई विल डिस्कस द एपेलेट ज्यूरसडिक्शन इसको मैं डिटेल्स ही नहीं करूँगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं है उतनी ज्यादा ठीक है उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एपेलेट जुरिस्डिक्शन एपेलेट जूरीडिक्शन में वही केसेस होंगे जो नी लोअर कोर्ट से आएंगे ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है क्रिमिनल केसेस को सुनने की भी रिट केसेस को भी सुनने की भी ठीक है तो एपेलेट जूरीडिक्शन इसका बहुत सारे में है क्रिमिनल मैटर्स में भी है सिविल मैटर्स में भी है स्पेशल लीव से भी ले आता है ये अभी पढ़ूंगा यहाँ पे स्पेशल इसमें है नहीं ओके okay, ओके okay. हम स्पेशल लीव पिटिशन पढ़ेंगे लीव पिटिशन में भी आ जाता है और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में भी आ सकता है तो जो अपेलेट का मतलब है कि लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट की तरफ केस आया है अगर लोअर कोर्ट में जो आ, आ, पार्टीज हैं वो क्या नहीं है सैटिस्फाई नहीं है तो क्रिमिनल मैटर सिविल मैटर स्पेशल लीव पिटीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ये सारे किस में आएंगे अपीलट जुरिडिक्शन में आएंगे मैं सिर्फ सिविल स्पेशल लीव पिटीशन को ही डिस्कस करूंगा थोड़ा सा स्पेशल लीव पिटीशन की अगर हम बात करें सिंपल सी बात है कि इट इज अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 136 के अंदर है और ये सिंपल सी ये बात बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कोई भी केस कहीं भी पेंडिंग है इस मिल, मिलिट्री कोर्ट का नहीं होगा वो केस मिलिट्री कोर्ट विल बी द एक्सेप्शन मिलिट्री कोर्ट को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस का किसी भी राज्य का हाई कोर्ट है लोअर कोर्ट है मुंसिफ कोर्ट है कोई भी कोर्ट है उसका केस अपने पास मंगा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसे उस केस में केस की हियरिंग करनी चाहिए उसे उस केस को सुनना चाहिए याद रहेगा दिस इज द स्पेशल पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो कोई भी उसका जुरिडिक्शन है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता वो उस केस को सुन सकता है स्पेशल लीव पिटिशन के अंदर याद रहेगा नाउ लेट मी डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट एक आर्टिकल और डिस्कस करना चाहूंगा आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी डायरेक्शंस दे सकता है कंप्लीट जस्टिस को एश्योर करने के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में जो मस्जिद है उसके लिए भी जमीन को अलोकेट किया सुप्रीम कोर्ट ने पोल्यूशन करब करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए तो आर्टिकल वन में सुप्रीम कोर्ट टोटल जस्टिस कंप्लीट जस्टिस अश्योर करने के लिए डायरेक्शंस भी दे सकता है नाउ आई विल टॉक अबाउट द अदर एस्पेक्ट ऑल्सो एडवाइजरी जूरीडिक्शन एडवाइजरी जूरिडिक्शन और ये आर्टिकल वन फिफ्टी थ्री के अंदर है एडवाइजरी जूरीडिक्शन इन आर्टिकल वन फिफ्टी थ्री दो मुद्दों में यहां पर देखो दो मुद्दों में आपसे आप एडवाइस मांगी जा सकती है कोई और कौन मांगेगा ये एडवाइस प्रेसिडेंट एडवाइस मांगेगा और एडवाइस दो चीजों से संबंधित है प्रेसिडेंट मांगेगा एडवाइस है और ये एडवाइस दो चीजों से रिलेटेड है पहला जो एडवाइस है वो है कि कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट है और सेकंड जो एडवाइस है पहले एडवाइस में बात हुई है कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है सेकंड एडवाइस की अगर बात करने की कोशिश करें तो सेकंड एडवाइस है कि इट्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर इट्स अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर याद रखना पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात पे सीजीआई बाउंड नहीं है एडवाइस देने के ठीक ठीक है, no bound. But matter में bound है है? में अपनी advice देने के लिए। इस चीज को याद रखिए, है। है? क्या होगा, bound होगा और प्रेसिडेंट बिल्कुल बाउंड नहीं है कोई भी एडवाइस मानने के लिए तो पब्लिक ओपिनियन में सीजीआई डिनाई कर सकता है और समटाइम्स सीजीआई लेकिन प्री कॉन्स्टिट्यूशन मैटर में सीजीआई को एडवाइस देनी ही पड़ेगी वो बाउंड है और प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है इन दोनों एडवाइस को मानने का ठीक है तो ये क्या हो गया एडवाइजरी जुरिडिक्शन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करेंगे आर्टिकल 129 में

इंटायर कंट्री में थ्रू आउट द कंट्री वो एज ए लो काम करती है ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स एंड एक्ट ठीक है तो ये सब एज ए किस तरह से काम कर सकते हैं ये बिल्कुल एक लीगल रेफरेंस की तरह और एज ए लो काम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जब तक विशाखा गाइडलाइंस विशाखा गाइडलाइंस वॉज यूज विशाखा गाइडलाइंस वॉज यूज फॉर The harassment of women at workplace, and in two thousand thirteen, actually Parliament came with the law on the basis of Vishaka guidelines. Same thing in the in the police reforms Prakash Singh case. Supreme Court sometimes gives so many guidelines; it acts as a law in the country. This is the court of record. Okay.

और आपने वो जजमेंट माना नहीं उसका डिसीजन आपने माना नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और आपने उस जजमेंट को माना ही नहीं तो वो सिविल ऑफ द कोर्ट है क्रिमिनल में क्या हो रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं स्कैंडलाइज कर रहे हैं अब यूज कर रहे हैं तो वो क्या है क्रिमिनल कंटेम्प ऑफ द कोर्ट है ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है उस पर फाइन लगा सकती है आपको जेल भेज सकती है दे आर सो मेनी थिंग्स कैन बी डन विथ यू ठीक है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऐसा तो कोई एक्ट है नहीं जुडिशियल रिव्यू का बट हाँ बहुत सारे राइट की आर्टिकल तेरा आर्टिकल बत्तीस एक सौ आर्टिकल एक सौ बयालीस इन सब को यूज करती है सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करने के लिए और जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है सम अदर पावर आई विल डिस्कस लाइक अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कोई इशू होता है कोई वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई इशू होता है तो इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट देखता है कौन देखता है सुप्रीम कोर्ट देखता है ठीक है सुप्रीम कोर्ट मैनेज दिस मैटर ओके दिस इज दिस इज वन ऑफ द राइट यूपीएससी चेयरमैन को अगर रिमूव करना हो ठीक है एस चेयरमैन को रिमूव करना हो तो करना क्या होगा सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करता है उसके अंदर ये चीज भी आप क्या कर सकते हैं याद रख सकते हैं ठीक है आई विल डिस्कस द लास्ट इशू इन द टूडेज लेक्चर एंड दैट लास्ट लास्ट इशू इज द नथिंग बट दैट लास्ट इशू इज नथिंग बट बट दैट लास्ट इशू इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड यूएसए सुप्रीम कोर्ट सबसे पहली बात है कि यूएसए सुप्रीम कोर्ट ओनली इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस For constitutional provisions, whereas Supreme Court case not only interpret the Constitution but also listen the appellate cases, appellate cases. But at the same time, Indian Supreme Court is most powerful Supreme Court in the world because U.S. Supreme Court cannot question the constitutional amendment acts. बट इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कैन लिसन द कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट एक्ट्स और सम ऑफ द थिंग्स लाइक आर्टिकल स्पेशल ली पिटिशन जैसा कुछ नहीं है यू एस ए के एडवाइजरी जूडिक्शन जैसा कुछ नहीं है कंटेम ऑफ कोर्ट जैसा कुछ नहीं है तो इस तरह की चीज़ें भी नहीं है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में ठीक है और यूएसए का सुप्रीम कोर्ट इंटीग्रेटेड नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लोअर कोर्ट ऐसा कुछ इंटीग्रेटेड नहीं है एक बड़ा एक एक यूनियन एज एज एन यूएस सुप्रीम कोर्ट है और फिर बाकी अदर स्टेट में भी अपने सुप्रीम कोर्ट्स हैं ठीक है नाउ वी हैव डन विद द सुप्रीम कोर्ट वी विल डिस्कस द स्टेट वेरी सून एंड वन लेक्चर आई विल डिस्कस गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर एंड हाई कोर्ट इन द वन गो ठीक है डोंट वरी कुछ चीजें बीच में छूट रही हैं आई एम आई एम अवेयर अबाउट इट बट वी विल डू दीज थिंग्स वेरी सोन इन द सिक्वेंशियल महिला डोंट वरी एवरी थिंग विल बी कवर्ड ठीक है